आज हम डिस्कस करेंगे स्फेग्नम का स्पोरोफाइट। स्फेग्नम स्पोरोफाइट स्फेग्नम का जो स्पोरोफाइट होता है उस पर जो पिक्यूलर फीचर होती हैं, एक तो वेजिड्यूल प्रेजेंट होता है इसमें, दूसरा इसके अंदर आपको जो स्पोर सैक होंगे ये डोम शेप होगा। तीसरा इसके अंदर एम्फीथीशियल ओरिजिन ऑफ आर्किस्पोरियम। और एक इसमें स्ट्रक्चर होता है स्पेशल, उसको सीडोपोडियम। इसके अंदर एक लिड लाइट स्ट्रक्चर होता है, ऑपरकुलम बोलते हैं जिसको, और उसके साइड में एनुलस होते हैं। जो स्पोरोफाइट होता है इसका, इसको तीन पार्ट में हम डिवाइड कर सकते हैं, इसके फुट बल्बस होता है जो, दूसरा इसमें सीटा, ये इसका कॉन्स्ट्रक्टेड होता है, और तीसरा पार्ट इसका कैप्सूल। यूजली जो कैप्सूल होता है ये इसका कलर जो होगा या तो ब्राउन कलर का, या इसमें यूजली ये ब्लैक कलर का कैप्सूल होता है, ये डार्क ब्राउन और ब्लैक कलर का कैप्सूल होगा। अच्छा, इसके अंदर क्या होता है कि इसका जो कैप्सूल होगा उसके ऊपर एक इस तरह का लिड लाइक स्ट्रक्चर होता है ऐसा, जिसको ओपरकुलम बोलते हैं, अपर साइड में ये ओपरकुलम होता है। और इसमें क्या होता है कि साइड में जो ओपरकुलम के इस तरह के ग्रूव लाइक स्ट्रक्चर मिलेंगे उसको बोलते हैं हम इस तरह का एनुलस होते हैं, इस तरह ग्रूव लाइक स्ट्रक्चर जो है इसका, ऐसा स्ट्रक्चर होता है, ये एनुलस होता है इसमें। तो दिस इज द ऑपरकुलम, दिस इज द एनुलस। इससे एक इस तरह का बल्बस जो होगा ऐसा स्ट्रक्चर, ये कैप्सूल होता है इसमें, और फिर कॉन्स्ट्रिक्टेड ये इसका सीटा होता है, और फिर ये इसमें यहाँ पर ये फुट होता है इस तरह का, ये इसका कैप्सूल, ये इसका कॉन्स्ट्रिक्टेड सीटा, और ये इसका फुट, ये बल्बस होता है। इसके अंदर जो स्पोर कार्प होता है, स्पोरोजेनस टिश्यू होता है, वो इस तरह का ऐसा आर्किंग टाइप का होगा, ये इसका स्पोर सैक। और मैसिव कोलोमेला मिलेगा इसमें, ये वाला जो स्ट्रक्चर होता है ये यहाँ पर ये कोलोमेला है, ये इसकी जैकेट लेयर है। जैकेट लेयर होती है इसकी, ये वन सेल या टू सेल ऐसे थिक हो सकती है जैकेट लेयर इसकी, वन या टू सेल थिक हो सकती है जैकेट लेयर इसमें, ये पूरी जैकेट जो है ये इसमें फुट सीटा और कैप्सूल इसमें, ये इसकी जैकेट लेयर। इस जैकेट लेयर में क्या होता है, इसके अंदर बाहर की जो लेयर है एपिडर्मिस होती है, इसमें नॉन फंक्शनल स्टोमेटा मिलते हैं,
ये पिक्यूलर फीचर है इसका कि इसके अंदर क्लोरोप्लास्ट तो मिल सकता है लेकिन स्टोमेटा इसमें नॉन फंक्शनल होंगे इसमें। और जो गैमेटोफाइट का जो बेसिक टिश्यू होता है, जो वेंटर होता है, एक्चुअल में क्या होता है, ये पूरा पूरा जो है ये क्या होता है, शुरू में एक आर्किगोनियम में कवर रहता है इसमें, इस तरह का स्ट्रक्चर, ये आर्किगोनियम होता है इसमें। तो इसका जो ये होता है, ये वेंटर इसका, ये बनाता है कैलिप्टरा इसके अंदर, क्योंकि ये जब इसका जो कैप्सूल राइज होगा तो ये क्या करेगा, ये तो डिसऑर्गेनाइज हो जाएगा इसमें ऊपर से, और नीचे जो है कैलिप्टरा बनाता है। और कैलिप्टरा के नीचे जो होती है इस तरह की एक गैमेटोफिटिक होता है, गैमेटोफाइट की ब्रांच होती है ये वाली। ये गैमेटोफाइट क्या करता है, ये इसको गैमेटोफिटिक टिश्यू ये ग्रोथ करता है, ये बनाता है सीडोपोडियम। और क्योंकि इसमें जो सीटा होता है, ये जो सीटा होता है ये कॉन्स्ट्रिक्टेड होता है, तो इसके जो कॉम्पनसेट करने के लिए सीटोपोडियम के अंदर ग्रोथ होती रहेगी, और ये क्या होगा, ये कैप्सूल जो है पुश अप फॉरवर्ड ऐसे बाहर निकलेगा और ये एयर में चलता चला जाएगा, क्योंकि इसके अंदर जो डिस्पर्सल होता है वो बस्टिंग टाइप से एक्सप्लोसिव मैकेनिज्म होती है उसमें, उसके अंदर। और ये जो टिश्यू होता है यहाँ पर, ये यहाँ पर जो इसका ये जो कैलिप्टरा इसका और ये सीडोपोडियम, ये मिला करके, कैलिप्टरा और सीडोपोडियम मिला करके एक ऐसा बल्बस स्ट्रक्चर बना देंगे जिसको हम कहते हैं वेजिनुला। ये इस तरह का स्ट्रक्चर होता है, ये वेजिनुला। तो इसमें क्वेश्चन आता है, वेजिनुला बनाता कौन है? तो बेसिकली वेजिनुला बनाएगा, एक तो इसके अंदर कैलिप्टरा प्लस इसके अंदर जो दूसरा ये बनाएगा वो जो स्ट्रक्चर होता है ये इसमें वेजिनुला के अंदर कैलिप्टरा प्लस सीडोपोडियम, ये इसको बनाता है।